हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपनी हाइबरनेट की सीरीज़ में कि 1-to-1 मैपिंग क्या होती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो है काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं अभी यहाँ पर हम लोगों ने, और तुम देख सकते हो जैसे कि ये हमारी इधर सीरीज़ हाइबरनेट की ऑलरेडी इधर चल रही है और हम लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पर अभी देख ली हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो थी हमारी ये एम्बेडेड और एम्बेडेबल जो हम लोगों ने एनोटेशंस देखा था उसके बारे में। अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 1-to-1 मैपिंग क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर कई सारे बेसिक्स एनोटेशन देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ तक का जो है पूरा कवर कर लिया था, ये सारे एनोटेशंस देख लिए थे। अब हम लोगों को ये एनोटेशंस कुछ देखने हैं, 1-to-1, 1-to-many और ये सारे एनोटेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1-to-1 से। तो देखो, 1-to-1 एनोटेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि एक है यूज़र टेबल है, लेट सपोज़, ठीक है, और एक यूज़र टेबल के साथ साथ यहाँ पर एक एड्रेस टेबल है। ठीक है, तो यूज़र टेबल में प्राइमरी की क्या है, ये इसकी प्राइमरी की है। ठीक है, एड्रेस टेबल में प्राइमरी की क्या है, ये इसकी प्राइमरी की है। ठीक है, अब कौन से यूज़र का कौन सा एड्रेस है ये हमको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एड्रेस टेबल में से जो उसका एड्रेस आईडी है ये, उसको हम लोगों ने स्टोर कर लिया यूज़र टेबल में एज आ फॉरेन की। ठीक है, एज आ फॉरेन की हम लोगों ने स्टोर कर लिया। तो अगर एग्जांपल के तौर पे बताएं तो लेट सपोज़ ये हमारी यूज़र टेबल है और उसके अंदर जो है लेट सपोज़ एक आईडी है, एक नेम है और एक है एड्रेस आईडी। ठीक है, लेट सपोज़ ये एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज़ ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, एक यूज़र टेबल है, उसके अंदर आईडी, नेम और एड्रेस आईडी, और लेट सपोज़ हमारे पास एक है एड्रेस टेबल। ठीक है, लेट सपोज़ ये जो है हमारे पास इधर यहाँ पर है एड्रेस टेबल। अब यहाँ पर है हमारे पास आईडी, ठीक है, और लेट सपोज़ इधर है हमारे पास सिटी। ठीक है, दो चीज़ें हैं मान के चलो। ठीक है, तो लेट सपोज़ ये यूज़र जो वन है उसका नाम है राम। ठीक है, और राम जो है राम जो है वो लेट सपोज़ यहाँ पर कई सारी इधर ये यूज़र की डिटेल स्टोर करती है टेबल, और ये टेबल जो है वो एड्रेस स्टोर करती है। तो लेट सपोज़ एड्रेस उसका है कानपुर, KNP। ठीक है, अब अगर लेट सपोज़ यूज़र जो है कानपुर में रहता है, ये जो राम यूज़र है कानपुर में रहता है, तो उसकी एड्रेस आईडी जो है 101 हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो अगर कोई एक यूज़र और है, ठीक है, वो यूज़र जो है उसका नाम है मान लो श्याम, ठीक है, उसकी और वो मान लो रहता है लखनऊ में फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, वो लखनऊ में रहता है, तो लखनऊ की आईडी क्या है, लखनऊ एड्रेस टेबल में उस सिटी की आईडी क्या है, LKO की 102, तो 102 उसके आगे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, 1-to-1 मैपिंग है। ठीक है, 1-to-1 मैपिंग है। ठीक है, 1:1, 1-to-1 मैपिंग का मतलब यहाँ पर एक चीज़ ये भी होता है कि एक यूज़र के पास एक एड्रेस है। तो लेट सपोज़ यहाँ पर हमारे पास जो है एक यूज़र है, ठीक है, एक यूज़र है, लेट सपोज़ इधर हमारे पास एक यूज़र है और एक यूज़र के पास जो है एक ही एड्रेस है। ठीक है, एक यूज़र के पास जो है वो तुम्हारा एक ही एड्रेस है, तो यहाँ पर कैसी मैपिंग हुई, 1-to-1 मैपिंग हुई है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग जावा में किस तरीके से अचीव करते हैं हाइबरनेट का यूज़ करके, हम लोग वो आज देखने वाले हैं। डेटाबेस के फॉर्मेट में तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो यूज़र टेबल है, अब इसमें अगर हम बात करें तो ये तुम्हारी हो गई प्राइमरी की। ठीक है, एड्रेस टेबल में बात करें तो ये हो गई तुम्हारी प्राइमरी की। ठीक है, और ये जो तुम्हारी है ये एड्रेस की आईडी है, मतलब यहाँ से आ रही है ये, तो ये क्या है तुम्हारी फॉरेन की। अब इस चीज़ को हम लोग जो है डेटाबेस में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो हम लोग चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेबल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उन सबको हम डिलीट कर देंगे, ड्रॉप 10 टेबल। ठीक है, और यहाँ पर साथ में क्या हुआ है कि हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स यहाँ ऑलरेडी बना भी रखे थे, तो एक बार हम जो है सारी की सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं ये 1-to-1 मैपिंग के। ठीक, और तुम्हारे सामने एक बार दोबारा क्रिएट करके हम लोग देखेंगे। तो ये 1-to-1 मैपिंग का हम लोगों ने पैकेज इधर बना लिया है। ठीक है, और पैकेज बनाने के बाद अब हम इसमें एक क्लास बनाएंगे यूज़र, ठीक है, और एक क्लास बनाएंगे एड्रेस। ठीक है, और ये hibernate.configuration फाइल में इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बता भी दिया है। ठीक है, जिस तरीके से हमने बताया था तुमको कि यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि कौन सी जो है हमारी क्लास है,
जिसका हमने नई कोई क्लास अगर क्रिएट करी है तो उसके बारे में हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो है हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लेट सपोज़ यूज़र टेबल है ये। अब यूज़र टेबल के ऊपर हमने लगा दिया एंटिटी, ठीक है। अब यहाँ से एग्जांपल लेके ही समझते हैं, यूज़र टेबल में और क्या है, आईडी है, ठीक है। तो ये जो आईडी है ये क्या है, ये आईडी तुम्हारी प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, ऐट द रेट आईडी लगा के। और इसको अगर हमें ऑटो इंक्रीमेंट कराना है तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन लगाना पड़ता है, स्ट्रेटजी इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। और यहाँ पर क्या चीज़ है, यूज़र नेम है, ठीक है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या है, अभी और कुछ नहीं है। एड्रेस टेबल में क्या है, एड्रेस की आईडी है, ठीक है, ऐट द रेट एंटिटी, उसके बाद प्राइवेट आईएनटी आईडी, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया ऐट द रेट आईडी, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, स्ट्रिंग सिटी, ठीक है, स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब बात आती है अच्छा, सिटी के साथ यहाँ पर स्ट्रीट भी है, चलो हम लोग स्ट्रीट भी ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रीट, ठीक है। तीन चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि यूज़र टेबल और एड्रेस टेबल का आपस में रिलेशन हमें करना है, 1-to-1 रिलेशन। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जावा में कुछ नहीं करना होता है, यूज़र टेबल का रिलेशन करना है हमें एड्रेस टेबल से, 1-to-1 रिलेशन करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आकर के लिख दो, यूज़र टेबल का रिलेशन करना है एड्रेस टेबल से, तो प्राइवेट एड्रेस एड्रेस हमने लिख दिया, ठीक है। और हमें एड्रेस टेबल का रिलेशन करना है यूज़र से, 1-to-1 मैपिंग जो है वो बाय डायरेक्शनल होनी। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पर, जो 1-to-1 मैपिंग होती है वो यूनिडायरेक्शनल भी होती है और वो बाय डायरेक्शनल भी होती है। तो पहले हम लोग यूनिडायरेक्शनल समझेंगे कि यूनिडायरेक्शनल मैपिंग कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ दो तरीके की मैपिंग होती है, एक होती है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, और एक होती है बाय डायरेक्शनल, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल क्या होती है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा, यूनिडायरेक्शनल का मतलब सिंपल इतना ये होता है कि यूज़र की जो टेबल है वो एड्रेस टेबल से कनेक्ट करती है, ठीक है। यूज़र टेबल जो है वो एड्रेस टेबल से, मतलब वन साइड मैपिंग है, यूज़र टेबल से तुम एड्रेस टेबल में जा सकते हो। मतलब अगर तुमने मान लो कोई API कॉल करी कि गेट आईडी, ठीक है, या गेट यूज़र, तुमने गेट यूज़र कॉल किया, ठीक है, और यूज़र की आईडी दे दी 101, तो तुमको यूज़र का डेटा तो मिलेगा, एड्रेस का डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यूज़र से तुम एड्रेस का डेटा भी निकलवा सकते हो, यूज़र का डिटेल तुम गेट करोगे तो तुमको उसके एड्रेस की डिटेल भी मिल जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, मतलब यूज़र के थ्रू तुम जो है एड्रेस भी गेट कर सकते हो। अब बाय डायरेक्शनल क्या होता है, बाय डायरेक्शनल तुम्हारा ये होता है कि तुम्हारा एड्रेस के थ्रू जो है अगर हमें यूज़र गेट करना हो, मतलब अगर हम ये करें कि गेट ADDR, ठीक है, गेट ADR में हमने आईडी दे दी लेट सपोज 101, तो हमें ये पता चल जाए कि 101 जिस भी सिटी की आईडी है, जैसे कि कानपुर की आईडी 101 है, तो कानपुर से कौन सा यूज़र बिलोंग करता है। तो इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल मैपिंग, मतलब हम यूज़र से एड्रेस तो फेच कर लेंगे, लेकिन अगर हम एड्रेस से यूज़र ना फेच कर पाएँ तो वो यूनिडायरेक्शनल मैपिंग हो गई। मतलब हम जो है यूज़र टेबल से डेटा फेच कर सकते हैं एड्रेस टेबल का भी, ठीक है, यूज़र की आईडी से हम एड्रेस की का डिटेल भी निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अभी यूनिडायरेक्शनल मैपिंग। लेकिन अगर हम सोचें कि एड्रेस की आईडी अगर हम इनपुट में दें और हमको साथ में ये पता चल जाए कि वो जो एड्रेस है वो किस यूज़र से बिलोंग करता है, तो उसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल मैपिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले यूनिडायरेक्शनल मैपिंग समझेंगे, मतलब यूज़र टेबल के पास हम एड्रेस एक कॉलम एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, लेकिन एड्रेस में जो है यूज़र की प्रॉपर्टी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल ये यूनिडायरेक्शनल मैपिंग है। अब इसके बाद हम कौन सी यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं, 1-to-1 मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, 1-to-1 मैपिंग कर रहे हैं। इसके बाद अब हमको ये बताना पड़ेगा जो नया कॉलम यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुम ये जो देखोगे ये एक नया कॉलम है। इस नए कॉलम को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जावा में यहाँ पर हाइबरनेट में एक एनोटेशन होता है जिसका नाम होता है ऐट द रेट जॉइन कॉलम, ठीक है।
ठीक है, वो कैसे बनेगा, उस एनोटेशन का नाम क्या होता है, एट द रेट, एट द रेट ज्वाइन, एट द रेट ज्वाइन कॉलम, उस एनोटेशन का नाम होता है एट द रेट ज्वाइन कॉलम। ठीक है, तो अगर हमें नया एक कॉलम बनाना है किस टेबल में, यूज़र टेबल में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एड्रेस की प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हम लोग एट द रेट ज्वाइन कॉलम लगा देंगे, एट द रेट ज्वाइन कॉलम। ठीक है, अब उसके बाद इस ज्वाइन कॉलम एनोटेशन में दो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है नेम, मतलब ये जो नया कॉलम जो तुम क्रिएट करने वाले हो एड्रेस आईडी, इसका तुम नाम क्या देना चाहते हो, तो हमने दे दिया, हम देना चाहते हैं addr underscore id। ठीक है, अब वो पूछना चाहता है कि ये जो फॉरेन की होगी, मतलब ये जो तुम्हारी यूज़र टेबल में तुम फॉरेन की क्रिएट कर रहे हो, ये एक्चुअल में मतलब इसका ये कौन सी टेबल से बिलोंग करती है और उसका नाम क्या है, तो ये किस टेबल से बिलोंग करती है, एड्रेस टेबल से बिलोंग करती है, और वहाँ पर आईडी, वहाँ पर जो है उसका नाम क्या है, आईडी है। ठीक है, वहाँ पर उसका नाम क्या, आईडी है, तो हम लोग लिख देंगे रेफरेंस्ड कॉलम नेम। रेफरेंस्ड कॉलम नेम का मतलब ये होता है कि ये जो तुम ज्वाइन कॉलम करके नया कॉलम एक क्रिएट कर रहे हो, जो कि फॉरेन की का कॉलम होगा, तुम फॉरेन की का नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो, वो एक्चुअल में किसका फॉरेन की है, कौन सी टेबल का, मतलब वो जो फॉरेन की तुम क्रिएट कर रहे हो वो किस टेबल की प्राइमरी की है, वो एड्रेस टेबल की प्राइमरी की है, क्या प्राइमरी की है, आईडी। तो रेफरेंस्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू आईडी, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा जो है अभी यूनिडायरेक्शनल मैपिंग हो गई है। ठीक है, अभी अगर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो देखते हैं क्या कोई एरर आती है या कोई, अच्छा उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वाली फाइल बनानी पड़ेगी, ऐप वाली मेन फाइल जहाँ से हम प्रोग्राम को चलाएंगे। तो ये हमने बनाया है मेन, उसके बाद लिखा न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, और यहाँ पर सेशन फैक्ट्री क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने SSN लिख दिया, SSN डॉट गेट ट्रांजेक्शन TXN लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, अब इसको अगर हम चलाते हैं तो देखो क्या होता है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, हमारी टेबल यहाँ पर बन चुकी है। तो तुम अगर एड्रेस टेबल सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर क्या आया है, आईडी नेम सिटी आ गई है। ठीक है, एड्रेस टेबल हमने क्या दे रखा था, आईडी सिटी और स्ट्रीट। ठीक है, और यूज़र टेबल में हमने क्या दे रखा था, आईडी यूज़र नेम, और एक नया कॉलम बनाएंगे जो कि फॉरेन की होगा, किसका फॉरेन की होगा, हमारी एड्रेस टेबल का, मतलब यूज़र टेबल में वो फॉरेन की होगा, किसके रेफरेंस में, एड्रेस टेबल की आईडी वाले कॉलम के रेफरेंस में। तो यहाँ पर उस कॉलम का नाम क्या होगा, addr id। तो अभी हम यूज़र टेबल को अगर देखेंगे तो यूज़र टेबल फेच करने पर तुम देख सकते हो addr id क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी अगर लेट सपोज तुमको इसका नाम चेंज करना हो तो तुम addr address id भी दे सकते हो। ठीक है, तुमने क्या दे दिया, एड्रेस id भी उसका नाम दे दिया। ठीक है, अभी अगर हम इस प्रोग्राम को वापस रन करते हैं तो तुम देखोगे कि यूज़र टेबल के अंदर जो फॉरेन की बनी हुई है ये, वो फॉरेन की का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एड्रेस आईडी हो गया। ठीक है, तो अभी ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल मैपिंग है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मैपिंग हमने तुमको यहाँ बताया था कि यूनिडायरेक्शनल मैपिंग क्या होता है, कि जैसे कि लेट सपोज ये तुम्हारी है यूज़र टेबल, ठीक है, और ये तुम्हारी है एड्रेस टेबल। ठीक है, एड्रेस टेबल, अगर कोई यूज़र इनपुट देता है, मान लो यूज़र आईडी 101, ठीक है, तो अभी के लिए हमारी मैपिंग जो है वो है 121, वो है मतलब 1-to-1 मैपिंग है हमारी, ये टेबल के बीच में जो हमारी मैपिंग है ये अभी कौन सी मैपिंग है, 1-to-1 मैपिंग है। ठीक है, और अगर मान लो कोई यूज़र तुम्हारा इनपुट देता है यूज़र आईडी 101, तो ये यूज़र आईडी के साथ साथ तुम उसका एड्रेस का भी डिटेल निकाल लोगे, मतलब ये जो यूज़र है वो किस, उसका एड्रेस क्या है, तुम वो भी डिटेल निकाल लोगे, मतलब लेफ्ट से राइट तुम जो है डेटा निकाल सकते हो अगर यहाँ से जाओगे। तो अभी के लिए ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल मैपिंग है, यूनिडायरेक्शनल मैपिंग। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, लेकिन अगर मान लो कोई बंदा एड्रेस आईडी इनपुट में देता है, एड्रेस आईडी क्या है, अच्छा ये तुम्हारी यूज़र आईडी 1 थी। ठीक है, एड्रेस आईडी मान लो अगर कोई बंदा देता है 101, और वो ये पता लगाना चाहे कि ये जो एड्रेस 101 है कानपुर, ये किस यूज़र को बिलोंग करता है, तो वो अभी नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि तुम अभी एड्रेस टेबल देखोगे तो यहाँ पर हमने अभी ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमको इसको बाय डायरेक्शनल अप करना पड़ेगा।
तो अगर यहाँ से भी हम डेटा गेट कर पा रहे हैं एड्रेस के थ्रू, हम यूज़र का डेटा गेट कर पा रहे हैं और यूज़र के थ्रू एड्रेस का डेटा गेट कर पा रहे हैं, तो वो बाई डायरेक्शनल मैपिंग हुई। बाई डायरेक्शनल मैपिंग कैसे करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, 1-to-1 लगा देना है यहाँ पर, बस हमें यहाँ पर 1-to-1 तो लगाएंगे, लेकिन किसके ऊपर लगाएंगे, प्राइवेट प्राइवेट यूज़र यूज़र के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब बस हमें इसके साथ साथ यहाँ एक चीज़ और बतानी है कि भैया हमें एड्रेस टेबल में अब वो नहीं चाहिए है इसका फॉरेन की, मतलब हमारी फॉरेन की अभी कहाँ क्रिएट हुई है, यूज़र टेबल में ये हमारी फॉरेन की क्रिएट हो गई है, ठीक है, एड्रेस आईडी। अब हमको बताना है कि भैया अब हमें एड्रेस टेबल में कोई भी फॉरेन की नहीं चाहिए, हमारी फॉरेन की जो है वो यूज़र टेबल ने संभाल ली है, तो वो हम कैसे बताएंगे। अगर यूज़र टेबल में हमको फॉरेन की चाहिए तो हमने वो हमारी यहाँ से बन गई है, अब हमको एड्रेस टेबल में फॉरेन की नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैप्ड बाय। मैप्ड बाय को तुम ऐसे समझ लो, यहाँ पर हम लिख देते हैं मैप्ड बाय का मतलब होता है संभाल लेना, ठीक है, मतलब टेक केयर ऑफ। मैप्ड बाय का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, तो मैप्ड बाय टेक केयर ऑफ मतलब किसने टेक केयर कर लिया है फॉरेन की क्रिएट करने का, एड्रेस ने टेक केयर कर लिया है। यहाँ पर जो एड्रेस फील्ड है, मतलब यूज़र टेबल में ये जो एड्रेस वाला कॉलम था, ये वाला कॉलम, ये उसने फॉरेन की बनाने का जिम्मा ले लिया है अपने ऊपर, तो अब यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा अगर चलाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आएगा डेटाबेस में, लेकिन हमारी यूनिडायरेक्शनल मैपिंग हो जाएगी। अब अगर कोई बंदा एड्रेस आईडी देता है इनपुट में तो उसको साथ साथ यूज़र की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, लेकिन इसके पहले अगर हम ये चीज़ ना लगाते और अगर बंदा कोई एड्रेस आईडी देता तो उसको सिर्फ एड्रेस की ही डिटेल्स मिलती, यूज़र की डिटेल ना मिलती। लेकिन अभी क्या है, हमने इसके अंदर यूज़र की डिटेल भी डाल रखी है, तो अगर कोई बंदा एड्रेस आईडी देता है तो उसको साथ साथ यूज़र की डिटेल मिल जाएगी, मतलब क्या होगा, वो 1-to-1 मैपिंग अब यूनिडायरेक्शनल हो गई है तुम्हारी, मतलब अब तुम जो है यूज़र से एड्रेस में आ जाओ, ठीक है, यूज़र आईडी दे करके तुम एड्रेस का डेटा भी गेट कर लो, और या फिर एड्रेस आईडी दे करके तुम यूज़र का भी डेटा गेट कर लो, ठीक है। तो देखोगे तुम डेटाबेस में तो तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं आया है, यूज़र टेबल अगर चला के देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है, एड्रेस टेबल चला के देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, एक चीज़ हो गई, ठीक है, मतलब 1-to-1 मैपिंग जो है वो हम लोग, पहला तरीका हमारा क्या था, इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन की ऑन द जेपी है, तो हम लोगों ने फॉरेन की जो है यूज़ करी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या एनोटेशन यूज़ किया है, एट द रेट ज्वाइन कॉलम एनोटेशन यूज़ किया है, तो ज्वाइन कॉलम हम लोग ने बताया था, हमने तुमको समझाया था क्या होता है ज्वाइन कॉलम एनोटेशन, वही होता है जब तुम अपनी टेबल में एक फॉरेन की क्रिएट करने जा रहे होते हो और उस कॉलम का नाम तुम्हें देना होता है, जैसे कि ये देखो ज्वाइन कॉलम है। अब ज्वाइन कॉलम का मतलब ये होता है कि तुमको यूज़र टेबल में एक कॉलम क्रिएट करना है और उसका नाम तुम्हें देना है, जो कि होगा एड्रेस आईडी, ठीक है, जो कि क्या होगा एड्रेस आईडी, तो उसके लिए हमें ज्वाइन कॉलम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इम्प्लीमेंटिंग शेयर्ड प्राइमरी की ऑन द जेपी है। अब तुम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, एक चीज़ तुम क्या नोटिस करोगे कि लेट सपोज ये तुम्हारी कोई यूज़र टेबल है, इस यूज़र टेबल में तुम्हारा एक जो है नेम है, ठीक है, एक तुम्हारा यहाँ पर नेम है लेट सपोज, और एक तुम्हारे पास यहाँ पर है एड्रेस टेबल, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक है एड्रेस टेबल, ठीक है, ये तुम्हारे पास इधर एक हो गई एड्रेस टेबल, यहाँ पर क्या है आईडी है, यहाँ पर क्या है अभी के लिए फ़िलहाल तुम्हारी स्ट्रीट है, ठीक है, और अभी के लिए फ़िलहाल ये कॉलम जो है भूल जाओ, अभी के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है स्ट्रीट है और एक क्या है सिटी है, ठीक है, तुम्हारे पास स्ट्रीट और सिटी है। तो अभी तुम यहाँ पर एक चीज़ ये नोटिस करोगे, यहाँ पर हम लोग शेयर्ड प्राइमरी की का यूज़ करने वाले हैं। शेयर्ड प्राइमरी की का यूज़ मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, हमारे पास एक प्राइमरी की भी है यूज़र टेबल में, ठीक है, एक प्राइमरी की एड्रेस टेबल में भी है और एक हमारे पास यहाँ फॉरेन की भी है, तो तीन तीन कीज़ हो गई हमारे पास दोनों टेबल में। अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो हमारी यूज़र टेबल में फॉरेन की बनी हुई है, प्राइमरी की बनी हुई है, ये हम चाहते हैं यही प्राइमरी की हमारी जो है एड्रेस टेबल के लिए भी जो है मानी जाए, ठीक है, मतलब हमारी जो प्राइमरी की होगी वो एड्रेस टेबल के लिए भी सेम होगी, ठीक है, सेम प्राइमरी की। तो यहाँ पर ये दोनों टेबल के लिए अगर हमको सेम प्राइमरी की करनी है, ठीक है, क्या करना है, सेम प्राइमरी की, तो अगर हमको दोनों टेबल के लिए सेम प्राइमरी की करनी है, ठीक है, क्या करना है, सेम प्राइमरी की,
दोनों टेबल के लिए अगर हमको सेम प्राइमरी की करनी है तो उस केस में हम लोग एट द रेट प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम यूज़ करेंगे, प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम ये वाला एनोटेशन जो है, ठीक है, ये वाला एनोटेशन यूज़ करेंगे एट द रेट प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम। मतलब यूज़र टेबल के अंदर जो ये आईडी है, ये जो कि प्राइमरी की है अभी के लिए फ़िलहाल, अगर इसी की को तुम एज अ फॉर प्राइमरी की एड्रेस टेबल में भी देखना चाहते हो, ठीक है, यूज़र आईडी ये अगर इसी की को तुम एज अ प्राइमरी की यहाँ पर देखना चाहते हो एड्रेस टेबल में, तो तुमने क्या करा, अपनी यूज़र टेबल की जो आईडी थी प्राइमरी की थी उसको तुमने शेयर कर लिया। तो अब ये क्या है, शेयर्ड प्राइमरी की हो गई, मतलब सेम प्राइमरी की सेम हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग कैसे अचीव करते हैं, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है। देखो तुम्हारी एड्रेस टेबल जो है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, एड्रेस टेबल में थोड़ा चेंजेस होंगे, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यूज़र टेबल में तुम्हें क्या चेंज करना है, यूज़र टेबल में तुम्हारा 1-to-1 मैपिंग तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें करना क्या है पहले ये समझो, क्या तुम्हें यूज़र टेबल में कोई एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे, मैप्ड बाय एड्रेस बोल दोगे, सॉरी मैप्ड बाय यूज़र बोल दोगे। मतलब तुमने यूज़र टेबल को बोल दिया भैया तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम करना था की क्रिएशन वाला वो हम एड्रेस टेबल के अंदर करेंगे, ठीक सही है ना भाई। एड्रेस टेबल ही के अंदर तो हम लोग ये यूज़र आईडी एक शेयर्ड प्राइमरी की क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे यूज़र टेबल को कि मैप्ड बाय यूज़र, मतलब ये जो एड्रेस टेबल के अंदर यूज़र पड़ा है इसके अंदर मैप्ड बाय यूज़र हो गया, ठीक है। अब क्या है, एड्रेस टेबल में हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले 1-to-1 हटा दो, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 1-to-1 हटा दो। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1-to-1 तुम्हारा लग गया। इसके बाद यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, हमको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है यूज़र टेबल के अंदर जो है प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम हमें एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा, ताकि इससे ये पता चल जाए यूज़र टेबल को कि जो प्राइमरी की है तुम्हारी, यूज़र टेबल को ये पता चल जाए कि भैया तुम्हारी प्राइमरी की जो है वो अब एड्रेस टेबल के लिए भी प्राइमरी की बनने जा रही है, ठीक है। तो यूज़र टेबल को ये पता चल जाएगा कि भैया तुम्हारी प्राइमरी की जो है यूज़र टेबल वो वही सेम प्राइमरी की अब एड्रेस टेबल के अंदर बनने जा रही है। तो अब एड्रेस टेबल के अंदर हमको बस 2-3 एनोटेशन यूज़ करने हैं, एक होता है मैप्स आईडी और एक होता है ज्वाइन कॉलम। ज्वाइन कॉलम हम लोग हमेशा किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम यूज़र के नाम को, मतलब जो भी हमारा कॉलम क्रिएट होने जा रहा है हम उसका नाम दे पाएँ। तो हमने नाम दे दिया नेम इक्वल्स टू यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अभी अगर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो देखो क्या आउटपुट आता है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, मैप्ड बाय यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आईडी, अच्छा ओके। तो हम लोग एक चीज़ बताना भूल गए ना, ये जो ज्वाइन कॉलम हम लोग कर रहे हैं, ये इसमें जो नया कॉलम है क्रिएट होगा यूज़र आईडी, वो तो उसका नाम हो गया, लेकिन रेफरेंस्ड कॉलम नेम क्या हो जाएगा, आईडी। मतलब इसका मतलब अब क्या होगा कि एड्रेस टेबल का अब खुद का प्राइमरी की हट जाएगा, ठीक है। एड्रेस टेबल का अब खुद का प्राइमरी की हट जाएगा, जो यूज़र टेबल से प्राइमरी की आ रही है अभी, यूज़र टेबल से जो प्राइमरी की आ रही है अभी, वही तुम्हारी एड्रेस टेबल में एज अ शेयर्ड प्राइमरी की क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग देखो चला के दिखाते हैं तो समझ में आएगा एक बार। तो अभी क्या हमारा प्रोग्राम चल चुका है, अभी अगर हम एड्रेस टेबल खोल के देखते हैं तो तुम देखोगे यूज़र आईडी है, सिटी है, स्ट्रीट है, ठीक है। तो एड्रेस टेबल में तुम देखोगे यूज़र आईडी हो गई, सिटी हो गई, स्ट्रीट हो गई, ठीक है, लेकिन ये आईडी नहीं है, ठीक है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखो जब हम लोगों ने यूज़र की आईडी को शेयर कर लिया एड्रेस टेबल के साथ कि भाई तुम भी प्राइमरी की ले लो, तो अब ये इस प्राइमरी की का क्या होगा, इस प्राइमरी की का कुछ नहीं होगा, क्योंकि एड्रेस टेबल में पहले उसके पास खुद की प्राइमरी की थी, ठीक है। बाद में लेकिन हमने क्या बोला कि भैया जो यूज़र टेबल के पास प्राइमरी की है, जो यूज़र टेबल के पास प्राइमरी की है वही हमको यूज़ करनी है अपने में, तो उसके लिए तुमने ये काम कर लिया,
ठीक है, इसीलिए तुम देखोगे कि यूज़र एड्रेस टेबल में तुम्हारी जो एड्रेस टेबल है उसके अंदर देखो आईडी वाला नहीं है चीज़, आईडी वाला कॉलम नहीं है, खाली यूज़र आईडी है। तो ये यूज़र आईडी क्या है, ये यूज़र आईडी तुम्हारी यूज़र टेबल की आईडी से आ रही है, ठीक है। तो मतलब अब ये जो आईडी कॉलम है, एक तो ये और एक तो ये दोनों जगह सेम हो जाएगा, मतलब शेयर्ड प्राइमरी की हो गई, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी की थी वही सेम तुम्हारी इधर आईडी पे भी है, वही सेम तुम्हारी इधर ये है, दोनों जगह सेम सेम प्राइमरी की हो गई, शेयर्ड प्राइमरी की हो गई दोनों के लिए, ठीक है। और एड्रेस टेबल के पास जो अपना खुद का आईडी कॉलम था पहले, जो कि उसका खुद का प्राइमरी की हुआ करता था, जब ये वाला कॉलम नहीं था तो ये इसका खुद का प्राइमरी की हुआ करता था, अब वो प्राइमरी की काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये वाली भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने दोनों चीज़ों का यूज़ समझ लिया है, क्या होता है, मैप्स बाय आईडी एनोटेशन यूज विच इंडिकेट्स दैट द प्राइमरी की वैल्यूज विल बी कॉपीड फ्रॉम द यूज़र एंटिटी, ठीक है। मैप्स बाय आईडी का यूज़ ये होता है कि जो जिस भी क्लास में हम लोग मैप्स बाय आईडी लगा रहे होते हैं, जिस भी फील्ड के ऊपर, तो वो जो यूज़र आईडी उसके ऊपर आ रही होती है वो शेयर्ड प्राइमरी की होती है, और वो कहाँ से आ रही होगी, यूज़र एंटिटी से आ रही होगी। प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम का मतलब ये होता है विच इंडिकेट्स दैट द प्राइमरी की ऑफ द यूज़र एंटिटी इज़ यूज्ड एज अ फॉरेन की वैल्यू ऑफ द एसोसिएटेड एंटिटी। मतलब यहाँ पर जो ये एसोसिएटेड एंट्री है यूज़र क्लास के अंदर, यूज़र क्लास के अंदर ये जो एसोसिएटेड एंट्री है उसके ऊपर एट प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम लगाने का मतलब ये होता है कि यूज़र टेबल की ये जो आईडी फील्ड है वही सेम फील्ड प्राइमरी की वही सेम फील्ड तुम्हारी एड्रेस टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की होने जा रही है, ठीक है। मतलब भाई हमको यूज़र टेबल को बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारी प्राइमरी की जो है वही सेम प्राइमरी की, मतलब एक तरीके की शेयर्ड प्राइमरी की, वो अब कहाँ बनने जा रही है, एड्रेस टेबल के अंदर जो है वो अब बनने जा रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने लगाया एट द रेट प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम, ठीक है। तो अब तीसरा तरीका होता है इम्प्लीमेंटिंग ज्वाइन टेबल ऑन द जेपीए। तो ज्वाइन टेबल ऑन द जेपीए का मतलब क्या होता है, तुमने देखो यहाँ पर एक चीज़ तुम नोट कर रहे होगे कि तुम्हारी एक है एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर वर्क स्टेशन एक नई टेबल ले ली गई है, लेकिन हम लोग जो है सेम टेबल ही लेकर चलते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक है इधर एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल के पास है एक आईडी वाला कॉलम और एक है नेम वाला कॉलम, ठीक है, एक है आईडी कॉलम और एक है नेम कॉलम। इसी तरीके से हमारे पास जो है एक है एड्रेस टेबल, ठीक है, इसके पास एक है आईडी वाला कॉलम और एक है सिटी वाला कॉलम, ठीक है, एक है आईडी वाला कॉलम और एक है सिटी वाला कॉलम। हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी टेबल क्रिएट हो जाए जो दोनों टेबल्स की आईडीज़ को स्टोर करे, ताकि हम पता कर पाएँ कि ये आईडी जो है इससे बिलोंग करती है और इसका डेटा इससे मैच करता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी टेबल क्रिएट हो जाए, एम्प्लॉई अंडर स्कोर ADDR करके कोई टेबल क्रिएट हो जाए, जिसके अंदर एक तरफ हो जाए एम्प्लॉय आईडी, एक तरफ हो जाए एड्रेस आईडी, ठीक है। तो इससे हम लोग बहुत कुछ चीज़ें पता कर ली जाएंगे। कैसे, मान लो आईडी एम्प्लॉय की है 1, नाम है उसका राम, एड्रेस में आईडी जो है 101 है, सिटी है उसकी KNP कानपुर। अब एम्प्लॉय आईडी जो है वो है 1 और एड्रेस आईडी जो है वो है 101। तो अगर हम इसका पहला रिकॉर्ड को मान लो गेट करते हैं तो उसके अंदर हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा और 101 मिलेगा। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं यूज़र आईडी जिसकी 1 है उसका एड्रेस क्या है, 101 आईडी है, मतलब 101 का मतलब कानपुर है। तो एक हम लोग सेपरेट टेबल बना देंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों टेबल में रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम किसी न किसी एक टेबल में यहाँ पर फॉरेन की क्रिएट कर दे रहे थे, क्या क्रिएट कर दे रहे थे, फॉरेन की, ताकि हम दोनों टेबलों के बीच में रिलेशन एक क्रिएट कर पाएँ, ठीक है, ताकि हम दोनों टेबलों के बीच में जो है रिलेशन क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। ये जो हमारी दोनों टेबल हैं इनके बीच में रिलेशन क्रिएट कर पाएँ, इसलिए हम लोग जो है अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ पर किसी न किसी एक टेबल में फॉरेन की जो है क्रिएट कर दे रहे थे, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं दोनों टेबल में कोई भी फॉरेन की क्रिएट नहीं होगी, हम एक टेबल ही अलग से स्टोर कर लेंगे जो कि दोनों कीज़ को स्टोर करेगा। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके की प्राइमरी की है, ठीक है, इस एम्प्लॉय टेबल में, और ये क्या है, ये भी एक तरीके की प्राइमरी की है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये वाला काम करके देखते हैं कैसे होता है ये।
तो इस केस में हमें थोड़े से काफ़ी जो है काफ़ी सारे एनोटेशंस लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमारे पास जो है सबसे तो पुराने सारे एनोटेशन हटा दो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सबसे पहले पुराने एनोटेशन बना दो। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिडायरेक्शनल मैपिंग करनी है, तो दोनों तरफ 1:1 लगा दो, ठीक है, दोनों तरफ 1:1 लगा दो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भैया जो नई टेबल क्रिएट करने वाला काम है वो एक ही टेबल करे, या तो एम्प्लॉय टेबल को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि तुम नई टेबल एक क्रिएट कर दो, या फिर एड्रेस टेबल को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने एड्रेस टेबल को बोला कि एड्रेस टेबल भाई तुम ये जिम्मेदारी छोड़ दो, ये वाली टेबल संभाल लेगी, यूज़र टेबल जो है हमारी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मैप्ड बाय यूज़र लिख दिया, ठीक है, मैप्ड बाय यहाँ पर यूज़र लिख दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर 1:1 मैपिंग पे आ गए, ठीक है। अब 1:1 मैपिंग पे आने के बाद यहाँ पर हम लोग कास्केड इक्वल टू कास्केड टाइप डॉट ऑल, या अगर चलो ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1:1। अब इसके बाद जिस तरीके से हम लोग ये जो नई टेबल एक नया कॉलम क्रिएट करते थे फॉरेन की क्रिएट करने के लिए, फॉरेन की क्रिएट करने के लिए जैसे कि तुमने यहाँ देखा हम लोगों ने एक नया कॉलम क्रिएट किया यहाँ पर एड्रेस आईडी, तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, एट द रेट ज्वाइन कॉलम, ठीक है। एक नया कॉलम क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने एट द रेट ज्वाइन कॉलम क्रिएट किया। उसी तरीके से एक नई टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एट द रेट ज्वाइन टेबल, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एट द रेट ज्वाइन टेबल, ठीक है। टू क्रिएट न्यू टेबल तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एट द रेट ज्वाइन टेबल यूज़ करेंगे टू क्रिएट न्यू टेबल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूज़र टेबल को जिम्मेदारी दे देंगे नई टेबल क्रिएट करने की, और यूज़र टेबल जो है हमारी एड्रेस टेबल नहीं, यहाँ से हटो, एड्रेस टेबल नहीं, यूज़र टेबल में हम जिम्मेदारी दे देंगे, ये क्या कर दिया भैया, यहाँ पर एड्रेस टेबल को जो है हमको यहाँ पर देखो एक मिनट, यहाँ पर जो है पहले इन दोनों को, ये हम लोग जो है यूज़र टेबल को जिम्मेदारी देंगे नया टेबल क्रिएट करने की, तो एड्रेस टेबल को हम लोग बोल देंगे मैप्ड बाय एड्रेस, ठीक है, मैप्ड बाय एड्रेस बोल देंगे। अब इसके बाद हम 1:1 मैपिंग इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे ज्वाइन टेबल, ज्वाइन टेबल हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ज्वाइन टेबल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब हमें इसके अंदर कुछ और चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जैसे क्या, ज्वाइन टेबल क्रिएट करने के बाद हमें टेबल का नाम क्या रखना है, तो हम लोग टेबल का नाम कैसे बताएंगे, टेबल का नाम हम लोग बताते हैं कैसे, ज्वाइन कॉलम का यूज़ करके, ठीक है। नया कॉलम अगर क्रिएट करते हैं, ज्वाइन टेबल का यहाँ पर हम नाम ऐसे बताएंगे, नेम इज़ इक्वल्स टू यूज़र अंडर स्कोर ADDR, इस तरीके से। तो ज्वाइन टेबल का नाम हमने बता दिया कि जो भी ये ज्वाइन टेबल बनेगी, जो कि दोनों टेबल का, एड्रेस टेबल का और यूज़र टेबल का इस यहाँ पर आईडी स्टोर करेगी, उस टेबल का नाम होगा एम्प्लॉई यूज़र अंडर स्कोर ADDR, ठीक है। अब उसके बाद हमको ये बताना पड़ेगा यहाँ पर ये पहला कॉलम का नाम क्या होगा, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे एट द रेट ज्वाइन कॉलम, यहाँ पर कॉमा लगा के एट द रेट ज्वाइन कॉलम यूज़ करेंगे और लिखेंगे नेम इक्वल्स टू यूज़र अंडर स्कोर ID कॉमा रेफरेंस्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू ID, ठीक है, मतलब इस ID को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर तो एक चीज़ गलत हो गई है, यहाँ पर ज्वाइन कॉलम नेम इक्वल्स टू होगा फिर ये करके ऐसे होगा, ज्वाइन कॉलम नेम इक्वल्स टू एट द रेट ज्वाइन कॉलम, ओके। तो यहाँ पर ज्वाइन कॉलम ऐसे करके लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा करके, कर्ली ब्रेसेस ये लगा दिया। अब उसके बाद हमें लिखना है एट द रेट ज्वाइन कॉलम, ठीक है, और उसके बाद लिखना है नेम इक्वल्स टू यूज़र अंडर स्कोर ID और उसके बाद रेफरेंस्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू ID, इस तरीके से। इसी तरीके से हम लोगों को एक और ज्वाइन कॉलम क्रिएट करना है, बट उसका नाम होगा इनवर्स ज्वाइन कॉलम, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा के हम लोग लिखेंगे एट द रेट ज्वाइन कॉलम नेम इक्वल्स टू सेकंड नाम इसका क्या होगा, एड्रेस अंडर स्कोर आईडी रेफरेंस्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू आईडी,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब इसको आपको समझ में आया होगा ये क्या है, वन टू वन क्या है, वन टू वन मैपिंग करनी है। ज्वाइन टेबल एनोटेशन क्यों लगा रहे हैं, हमको जो नई टेबल क्रिएट करनी है उसके लिए हम ज्वाइन टेबल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमको जो नई टेबल क्रिएट करनी है उसके लिए हम ज्वाइन टेबल लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नई टेबल क्रिएट हुई है उसमें हमारा पहला कॉलम क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी होगा, ठीक है। पहला कॉलम क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी होगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइन कॉलम इस तरीके से लगाया है, ज्वाइन कॉलम इक्वल्स टू एट द रेट ज्वाइन कॉलम नेम इक्वल्स टू यूजर आईडी रेफरेंस्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू आईडी। अब उसी के बाद हमें ये सेकंड कॉलम का नाम क्या रखना है, तो हमने इनवर्स ज्वाइन कॉलम लगाया, ठीक है। तो अब ये हो गया इस तरीके से। अब हम इसको अगर रन करते हैं, अब हम इसको अगर रन करते हैं तो देखो क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्टेड, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ आओगे और देखोगे तो देखना तुम ना तो एड्रेस टेबल में कुछ एक एक्स्ट्रा फॉरेन की बनेगी, देखो कुछ नहीं बना, ठीक है, और ना ही यूज़र टेबल में कोई फॉरेन की बनेगी ये वाली जैसे, ठीक है, देखो कुछ नहीं बना, बल्कि एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूज़र अंडरस्कोर ADDR, जिसके पास क्या होगा, यूज़र के लिए यूज़र आईडी, एड्रेस के लिए एड्रेस आईडी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी वन टू वन मैपिंग की, ठीक है। वन टू वन मैपिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे वन टू मैनी मैपिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।